हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं कुतुब मीनार घूमने। ओके, तो इस वीडियो में हम पूरे कवर करने वाले हैं कुतुब मीनार को, और एक हम बनाने आ रहे हैं एक छोटा सा ब्लॉग। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, और आप कुतुब मीनार किसी भी तरीके से जा सकते हैं, बस जाती है, आप मेट्रो से जा सकते हैं। ठीक है, बाकी हम तो मेट्रो से गए, तो आपको यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर टिकट दो टाइप के मिल जाते हैं, एक इंडियन लोगों के लिए और एक फॉरेनियन लोगों के लिए। तो आप जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप टिकट ले लोगे। टिकट लेने के बाद आपको एंट्री करना पड़ेगा, और उसके बाद आप फिर एंटर कर लोगे कुतुब मीनार को। और हम फिर यहाँ पर जैसे अंदर आएंगे तो हमें सामने में दिख जाएगा कुतुब मीनार का जो फील टावर है। ओके, और आप यहाँ पर फुल्ली इंजॉय कर सकते हो। अलग अलग यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बना है, आप यहाँ पर आके देख सकते हो। ओके, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। ठीक है, सामने में आपको दिख जाएगा बहुत ही व्यू अच्छा, और आप यहाँ पर आराम से इजीली फ़ोटोज़ ले सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, सेल्फीज ले सकते हो। ओके, बहुत ही बेस्ट प्लेस रहेगा यहाँ पर आपको ये सब लेने के लिए। ओके, तो इसके बाद आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो, और ऊपर जो दिख रहा है वीडियो में वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो हम चलेंगे कुछ देर में, तब तक यहाँ आप वीडियो देखने का आनंद लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, और हम एक दूसरे वहीं पर जा रहे हैं, एक दूसरे जगह जिसका नाम है खलजी का मकबरा। ओके, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, एंटर कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज सीनरीज हैं, तो आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। तो हम और एक दूसरे साइड आए, तो यहाँ से हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, और यहाँ भी बहुत बेहतरीन फोटोज आए, वीडियोस बने। ओके, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो। और ये और एक दूसरे साइड है उसी का, उसी मतलब एरिया के अंदर ही आपको अलग अलग आपको साइड मिलेंगे, जहाँ पर आप बहुत ही अच्छा खासा आपको व्यूज़ मिल जाते हैं, और लोग मिल जाते हैं, बाहर से टूरिस्ट लोग आए होते हैं यहाँ घूमने। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा फ्लाइट का एक व्यू देख सकते हो, ठीक है, जो कि रेगुलरली दिखते रहता है, और फ्लाइट्स यहाँ पर आते जाते रहते तो दिखते ही। ओके, और जो भी है इंडियन के लोग हैं, फॉरेन के लोग जो आए हैं यहाँ पर विज़िट करने घूमने, तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ भड़ा मतलब भीड़ भड़ाका भी रहता है। ओके, और यहाँ पर आप जब भी आओगे तो ऐसे ही आपको माहौल मिलेगा। ठीक है, और जो आपने नाम सुना होगा आयरन पिलर के बारे में, तो यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिलेगा। ओके, और इससे आप अनुभव कर सकते हो सामने सामने। ओके, और फिर हम गए दूसरे साइड, जो कि यहाँ पर सामने में जो दिख रहा है आपको बिल्डिंग जो बना हुआ है, तो ये है मतलब इसके अंदर भी हम जाएंगे, दिखाएंगे आपको तो इसके अंदर कैसे कलाकृतियाँ करा गया है। ठीक है, और ये भी एक उसके पीछे बैक साइड का एक सीनरी है, जो एक पेड़ है, और उसके पीछे में एक जो बना हुआ है वो भी एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर दिखेगा, वहाँ भी हम जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को आशा करता हूँ कि इंजॉय कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो जो हम मैं बात कर रहा था, जो अंदर बिल्डिंग के जो कलाकृतियाँ किया गया है, अब ये देख सकते हैं क्या सुंदर से मतलब बनाया गया है, बहुत ही सही बनाया गया है, यहाँ देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर हम बढ़ेंगे दूसरे साइड दोस्तों, जो मैंने दिखाया था हम यहाँ भी आएंगे। यहाँ पर भी बहुत ही एक बड़ा सा देख सकते हैं बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हो, और यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा व्यू वीडियोस बनाने के लिए आपको एक जगह मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आप इनकी जो भी है मतलब जैसा बनाया गया है, तो इनका अनुभव कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर ज़रूर आएंगे, विज़िट करेंगे और इंजॉय करेंगे। और अगर आप आए हैं पहले भी, तो यहाँ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये प्लेस कैसा लगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट कोई और ब्लॉग पर। बाकी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे सपोर्ट कीजिए, और ताकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द से जल्द पूरा हो जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।